दीवान से ज्यादा बारीक होगा और तलवार की धार से तेज होगा। जहन्नम के ऊपर बना है, इसका जिक्र तो सुना है ना, जहन्नम के ऊपर बना है। 15,000 साल इसकी मुसाफत है, 5,000 साल यूं चढ़ाई के, 5,000 साल बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, और फिर 5,000 साल नीचे उतराई की। बना है जहन्नम के ऊपर, बाल से बारीक, तलवार की धार से तेज। लेकिन आला हजरत कहते हैं हम कैसे गुजरेंगे, पाए नंगे पाँव, बल्कि मस्जिद वाला डर के देखे, जैसे पाँव ठोक ठोक के गुजरे। तो ठोकते ना किसी को, बड़ा मान हो किसी पर तो पाँव ठोकते ना, देखता हूँ कौन आता है, ऐसे पाँव ठोकते हैं। आला हजरत कहते ऐसे गुजर जाएंगे हम तो, और वो क्यों गुजरेंगे, इसलिए कि हुजूर पीछे कह रहे होंगे रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम, ऐ अल्लाह सलामती से गुजार, सलामती पुलिस वालों को कह रहा होता है ठहर जो, जरा अभी तुम्हें पता चला।
अभी पता चलेगा आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं मेरे लोग। अच्छा, ये अगर कोई इनकी कासा लेसी, दुनियादारों की कासा लेसी करने वाला इतना मुतमिन होता है, तो सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तो बज़्मे आलम सजाई जाएगी महशर। फकत इतना सबब है इन इबादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह ताला आलिमुल गुयूब व शहादत है, उसको पता है किसने छुप छुप के गुनाह किए, कितने गुनाह किए, कब कब गुनाह किए। अल्लाह तबारक व ताला को महशर बर्पा करने की जरूरत क्या थी? जिसकी नेकियां ज्यादा थी वो मुसलमान था, जन्नत में जाता, जो गुनहगार था, बदकार था, फाजिर था, जहन्नम में जाता। ये सारा सजाया क्यों? शेख अब्दुल अजीज दरबार कहते हैं अल्लाह ताला सारे के सारे इंसानों का हिसाब दुनियावी जिंदगी के सिर्फ आधे दिन में मुकम्मल फरमा लेगा। हजरत आदम ता हमारे आपका सारी उम्मतों का हिसाब दुनियावी जो दिन का वक्त होता है इतना होता है, 12 घंटे का दिन है, उसको आधा करें तो 6 घंटे का, इतनी देर में सबका हिसाब ले लेगा। तो कहते हैं बकिया वक्त किस लिए है? बकिया वक्त ये दिखाना है कि मेरे महबूब की शान क्या है। अगले पिछले देखें, इसलिए बिरादरी आला हजरत मौलाना हसन रजा खान कहते हैं फकत फकत ये कलमा हसर है, ये जो मैशर का मैदान सजाया जाएगा इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अगले पिछले मुखालिफ मुवाफिक सारे देख लें कि आज तो सिर्फ इनकी बात चलती है, आज तो सिर्फ इनकी बात चलती है। तो वो जो मैंने मिसाल दी ना, लोग कह रहे होते हैं अभी पता चल जाएगा वो आ रहे हैं चौधरी साहब, वो आ रहे हैं एमएलए साहब, आला हजरत कहते हैं हम भी किसी के मानने वाले हैं। गुनाहगारों आला हजरत कहते हैं खाक उफ्ता दो बस उनके आने ही की देर है। ये जो तुम जमीन पे पड़े हो ना, ये सिर्फ उनके आने की देर है बस, जब वो आ जाएंगे। खाक उफ्ता दो बस बस उनके आने ही की देर, हिसाब किताब शुरू नहीं ना हो रहा होगा। तवील हदीस है, अम्बिया के हुजूर जाएंगे, पहले हजरत आदम के पास, हजरत नूह के पास, यूं घूमते घूमते हजरत ईसा के पास, सारे यही कहेंगे साबु इला भाई आज जाओ किसी और के पास, किसी और के पास, किसी और के पास। जब हुजूर के पास है कि हुजूर फरमाएंगे अना लहा, हाँ आज मैं हूँ तुम्हारी शफाअत करने वाला। फिर हुजूर जेरे अर्श आकर सजदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा इरफा रक्सका या मुहम्मद इशफा तु शफा सल तुअता, ए बहू अपना सर उठाइए, आप मांगिए दिया जाएगा, सवाल कीजिए पूरा किया जाएगा, शफात कीजिए कबूल हो। उसी का तर्जमा किया आला हजरत ने, खाक उफ्ता दो बस उनके आने ही की देर है, खुद वो गिर कर सजदे में तुमको उठाते जाएंगे, खुद वो गिर कर सजदे में तुमको उठाते जाएंगे। वसअते नहीं सकते, लेकिन एक उम्मीद है, उम्मीद शफाअत। आला हजरत कहते हैं कि जुर्म खुलते जाएंगे, तुलेंगे ना मिजान पे अमाल तुलेंगे, ये भी जुर्म खुल रहा है, ये भी खुल रहा है, दुनिया में किसी को नहीं पता था मैदान महशर में खुलेगा कि इसने फलां वक्त में ये जुर्म भी किया, ये गुनाह भी किया, वो सब खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे। और हुजूर का करम ऐसे, हुजूर छुपाते जाएंगे, हुजूर छुपाते जाएंगे, जुर्मों को छुपाते जाएंगे। वसअतें दी हैं खुदा
पाल हजरत ने दर्ज दिया है, फिर हश्र तक उन्हीं का जिक्र किया जाए, फिर हश्र तक उनके उनके जिक्र को बुलंद किया जाए। हम क्या करेंगे, अल्लाह ने खुद जिक्र को बुलंद किया है। आला हजरत कहते हैं जब इतनी शान वाले आता है जो हमारी महशर के मैदान में इतनी लाज रखेंगे तो हम पर भी लाजिम है, और हम ये करेंगे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे होती है तो हो, इंसानियत ये नहीं है। कई लोग इंसानियत का अलम बुलंद करते करते शरीयत को पीछे छोड़ देते हैं, अजी ना करें मिलाद की महफिल, अजी क्यों ना करें, फलां को तकलीफ होती है, हम कहते हैं हो जी, वो जल जाए तो अच्छा, जो जिक्र रिसालत बाप से जलता है वो जल जाए तो अच्छा, कल मरता है आज मरे, आज मरता है अभी मरे, अल्लाह ने भी तो यही फरमाया कुल मूतु बिगैज़िकुम, काफिरों के बारे में कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की शान और शौकत देखकर जलते थे, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की शान और शौकत देखकर जलते थे, अल्लाह ताला ने फरमाया कुल मूतु बिगैज़िकुम, इनसे फरमा दीजिए तुम अपने गज़ब में खुद ही मर जाओ, खुद ही मर जाओ, तो जब जलते हैं जले। आला हज़रत कहते हैं खाक हो जाए तू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब जग दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे, पेशे हम मुश्ताक शफ़ात का सुना हंसाते जाएं।